ऋतुराज ने ऐसी आग लगाई। ऋतुराज ने विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल्स में ऐसी आग लगाई कि भाई उनके बल्ले से 220 रन की बड़ी पारी आई। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए, ऋतुराज गायकवाड CSK की तरफ से खेलते थे, लेकिन एक महा रिकॉर्ड जो है ऋतुराज ने बना लिया है विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल्स में। आप जानते हैं ऋतुराज जो है लिस्ट ए क्रिकेट के धुरंधर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के धुरंधर हैं, और अभी विजय हजारे ट्रॉफी में हमने एक रिकॉर्ड बनते हुए देखा था N जगदीशन का। उसके लिए भी हमने आपके साथ वीडियो करी थी, वो वीडियो आप जरूर देखिए। और अभी देखिए दूसरा रिकॉर्ड बना दिया ऋतुराज गायकवाड ने, महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं ये, सामने थी UP यानी उत्तर प्रदेश की टीम, और उत्तर प्रदेश की टीम को ऋतुराज ने अकेले ही आड़े हाथों ले लिया था, और क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी ऋतुराज ने बना लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई ऋतुराज ने क्या कुछ करिश्मा करके दिखाया है जो हम इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। पहले आप ये आंकड़े देखिए और खुद डिसाइड करिए कि भैया आंकड़े जो है कोई नॉर्मल प्लेयर के नहीं हो सकते, आंकड़े जो है एलियंस के आंकड़े लग रहे हैं, क्योंकि मुझे इस तरीके की बैटिंग हमने बहुत टाइम बाद देखी। आंकड़े देखिए, पहले लिस्ट ए में बने पहले खिलाड़ी, देखिए लिस्ट ए में जो है ऋतुराज ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आप यहाँ पर GFX देख रहे होंगे कि क्यों जो है हम कह रहे हैं कि पहले खिलाड़ी बने। देखिए, इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के जड़ दिए थे, माइंड इट, हाँ 7 छक्के इन्होंने जड़ दिए थे। एक नो बॉल था, उस नो बॉल में भी इन्होंने छक्का मार दिया था, तो 43 रन्स इनके खाते में आ गए थे, यानी एक ही ओवर में 43 रन्स बटोर लिए थे ऋतुराज गायकवाड ने, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो देखा आपने, एक ही ओवर में 7 छक्के चढ़ दिए इन्होंने, मतलब धोनी का चेला इनको कहा जाता था, CSK की तरफ से खेलते थे, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा खेले हैं, उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। एक ही ओवर में 7 छक्के, कभी नहीं हुआ ऐसा क्रिकेट में, और जब भी इतिहास के पन्नों में रिकॉर्ड्स का नाम होगा, क्रिकेट के रिकॉर्ड्स का जिक्र होगा, तो आई एम श्योर ऋतुराज का जो नाम है वो सबसे टॉप पर होगा। और अभी हमने देखा N जगदीशन ने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया था, और अब फिर से ऋतुराज ने बना दिया। फिलहाल चलिए कंपेयर करते हैं कि भाई ऋतुराज ने तो लिस्ट ए में करने वाले मतलब 7 छक्के लगाने वाले वो पहले खिलाड़ी बने हैं, लेकिन उसके अलावा दुनिया में किसने ऐसा करिश्मा करके दिखाया वो भी आपको दिखाते हैं। इससे पहले ली जर्मन ने किया था ऐसा कमाल। देखिए, इससे पहले ली जर्मन जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने ऐसा करिश्मा करके दिखाया था। उन्होंने एक ही ओवर में, जी हाँ एक ही ओवर में उन्होंने 8 छक्के लगा दिए थे और 77 रन बना दिए थे। ऋतुराज ने तो देखिए 43 रन बनाए हैं, वहीं अगर ली जर्मन की बात करें तो उन्होंने 77 रन बना दिए थे, यानी 77 रन उन्होंने बना दिए थे, और बहुत ही ज़्यादा महंगा वो ओवर साबित हुआ था। वहीं अगर हम ऋतुराज की बात करें तो ऋतुराज ने 7 छक्के जड़े, जिसमें एक नो बॉल है, और अगर ली जर्मन की बात करें तो उस ओवर में 17 नो बॉल्स थी। अब आप सोच सकते हैं 17 नो बॉल्स थी उस टाइम पे। तो ये तो बात हुई देखिए लिस्ट ए की, ऋतुराज ने ऐसा करिश्मा लिस्ट ए में करके दिखाया है। वहीं ली जर्मन जो कि दुनिया के सबसे पहले ऐसे बैटर है जिन्होंने 77 रन एक ओवर में बनाए थे, तो वहीं जो है ली जर्मन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में, यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जहां पर ओवर्स जो है अनलिमिटेड होते हैं वहां पर ये करिश्मा करा था, वहीं ऋतुराज ने जो है 50 ओवर के मैच में ये करिश्मा करा था। ऋतुराज की पारी, देखिए महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए ऋतुराज ने 220 रन बनाए 159 बॉल्स में, जिसमें अगर हम चौकों की बात करें तो 10 चौके और 16 छक्के इसमें मौजूद थे। महाराष्ट्र ने बनाए 330 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
देखिए महाराष्ट्र ने 330 रन बनाए जिसमें 60% जो योगदान था वो ऋतुराज का ही था। ऋतु का पूरा पूरा राज चला है भाई विजय हजारे ट्रॉफी में जो कि अहमदाबाद में अभी चल रहा है। तो अहमदाबाद के उस स्टेडियम में ऋतु का पूरा पूरा तरीके से राज चला है। आप देखते हैं आईपीएल में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल्स में जो हमने देखा है कि ऋतुराज इतना कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करते जितना वो लिस्ट है और डोमेस्टिक में करते हैं। तो बहुत अच्छा यार, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रिकॉर्ड है। अभी हमने दो बल्लेबाजों को देखा है, केन जगदीशन और ऋतुराज, दोनों ने ही अपना करिश्मा दिखाया विजय हजारे ट्रॉफी में। अब कमेंट्स के जरिए आप ज़रूर बताइए कितनी उम्मीदें हैं ऋतुराज से कि भाई जैसा उन्होंने लिस्ट ए में खेला है वैसी वो इंटरनेशनल में भी खेले तो कुछ बात बने। फिलहाल इतिहास के पन्नों में तो देखिए उनका नाम जो है दर्ज हो गया, रिकॉर्ड्स बुक में उनका नाम जो है दर्ज हो गया है। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो यार वीडियो को अपना प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स नेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।